हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सिद्धार्थ आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे चैनल पे विच इज़ स्टार्ट गेमर्स एंड ट्यूटर। आज फोटोशॉप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला सॉफ्टवेयर है, सो आई स्टार्टेड अ सीरीज़ ऑफ फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स में बता रहा हूं। तो लास्ट क्लास में भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था हमारे चैनल पे, प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है उसे जाके देखें, जो कि फोटोशॉप के बारे में बताता है, सेटअप्स के बारे में उसमें एक्सप्लेन किया गया है, इवन हिस्ट्री ऑफ फोटोशॉप बताया गया है। तो प्लीज़ गाइज आप उस वीडियो को चेकआउट कर लो। और हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले जो मैं बताने वाला हूँ, अपना कोर्स जो डेटा हम लोगों ने रेडी किया है, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स इन चीज़ों को देखते हैं, या काफ़ी जो भी हमारे ऑडियंस होंगे उनके लिए हम लोगों ने सीरीज़ मतलब ट्यूटोरियल्स के कुछ पार्ट को डिवाइड किया है। जैसे कि हमने सिलेक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, विच इज़ लाइक बिगनिंग एंड वन इज़ लाइक एडवांस वन। आज हम लोग फोटोशॉप में काफ़ी कुछ करने वाले हैं, कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में सिर्फ लेक्चर था जो कि फोटोशॉप के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। बट इस ट्यूटोरियल पार्ट में हम आज कुछ नया बनाने वाले हैं और आप हमसे कुछ नया सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग देख लेते हैं कि हमारे इस टॉपिक क्या है इस ट्यूटोरियल का। तो स्टार्ट करते हैं इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग इमेज से। जो हमारे टॉपिक सबसे पहला टॉपिक है जो हमारा है, वो इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग, फोटोशॉप में इमेज को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, इम्पोर्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक सबसे पहला कि अगर आप पेज के साथ काम कर रहे हो, अगर आपको किसी पेज में पर्टिकुलरली एक आपका डायमेंशन दिया हुआ है, एक साइज़ दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं एक पेज लेता हूँ, कंट्रोल एन मैंने हिट किया एंड उसके बाद यहाँ से मैं कुछ एक साइज़ लेता हूँ, लाइक 2000x2000 पिक्सल, कि मुझे इतने ही बड़े साइज़ में मुझे किसी इमेज को एडिट करना है या फिर किसी चीज़ों को सही करना है। मैंने यहाँ से इस चीज़ को क्रिएट कर दिया, तो ये मेरा एक पेज क्रिएटेड है। बट अगर मैं चाहूँ कि इस पेज के अंदर कोई इमेज लाऊँ, तो उस चीज़ के लिए भी कुछ ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है, आप फाइल मेन्यू में जाइएगा, यहाँ पे है ओपन। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डेटा पहले से बना दिया है ताकि करना हो। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक वॉलपेपर लिया है और ये देखिए कि ये पर्टिकुलरली इस बैकग्राउंड में वो चीज़ यहाँ पे, पहले तो वो अलग पेज पे ओपन हुआ, जैसे मैंने ओपन किया तो एक इमेज का वो पर्टिकुलरली उसने अपना ही एक पेज बना लिया, जो कि उस इमेज का साइज़ और डायमेंशन को उसने मेजर किया और ऑटोमेटिकली एक पेज क्रिएट कर दिया उसने। बट हमारे पेज पे अगर हम मुझे इस चीज़ को लाना है, जस्ट सिंपली हैव टू ड्रैग दिस यहाँ पुट करना है। ये एक तरीका है जिससे आप चीज़ों को पुट कर सकते हो, लेकिन आप देख रहे हो कि इमेज का साइज जो है वो बड़ा है हमारे पेज साइज से। सो सबसे पहले इन सब मामलों में अगर आपको किसी भी इमेज को रिस्केल करना है या मूव करना है या रोटेट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल टी का, विच इज़ ट्रांसफॉर्म, और मैं इसको स्मॉल कर सकता हूँ या अपने आप इसको एडिट कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में आके भी रोटेट कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। वेल एक्चुअली ये कि यहाँ पर मैंने पेज लिया और वहाँ पर किसी इमेज को कैसे हम लोग यहाँ डायरेक्टली इम्पोर्ट कर सकते हैं। सेकेंड जो तरीका है वो ये है कि मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज उठाता हूँ, लाइक मैं इसको उठाया और सीधा फोटोशॉप के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप करने से वो पर्टिकुलरली वो अपने साइज़ को पेज के साइज़ के अकॉर्डिंग वो आएगा, कि वो पेज से बाहर ना जाए, क्योंकि जो हमने यहाँ पे किया था, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, वो आप देखोगे ये पेज से बहुत बड़ा है। सी ये देखिए पेज से कितना बड़ा। तो ये हो गया हमारा इमेज को इम्पोर्ट करना, फोटोशॉप के अंदर इमेज को लाना। हमने अभी देखा कि फोटोशॉप के अंदर किसी भी चीज़ इमेज को इंपोर्ट कैसे करते हैं। नाउ अब मैं बताने जा रहा हूँ कि हम किसी इमेज को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। एक्सपोर्टिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की है, आप देख रहे हो कि मैंने एक ब्लैक एंड वाइट फोटो को यहाँ पे कलर किया है और यहाँ पे काफ़ी सारे लेयर्स पर मैंने वर्क किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक फोटोशॉप फाइल ना हो, कि एक इमेज फाइल में मैं इसे एक्सपोर्ट करूँ, इसे बाहर लेके जाऊँ। तो उसके लिए सिंपली मुझे यहाँ पे जाना होगा फाइल में। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे सेव एज, सेव एज में जा सकते हैं। सेव एज में जाने के बाद मैं आपको पर्टिकुलर जो आप एरिया जहां आप चाहते हो कि जिस डायरेक्टरी में आप इसे सेव करना चाहते हो, वहां पे आप डायरेक्टरी यहां पे सिलेक्ट कर लो अपने। जैसे मैं यहां पे चाहता हूं कि ये एक डेस्कटॉप पे सेव हो जाए, इसे नाम दे देता हूं टेस्ट। और यहां पे इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे फोटोशॉप फॉर्मेट हो गया, जो बेसिक फॉर्मेट है जो हम लोग यूज़ करते हैं, विच इज़ लाइक JPG PNG। तो मैं यहां पे JPG पे क्लिक करता हूं, मैंने यहां पे सेव कर देता हूं। यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि उसकी क्वालिटी क्या होगी, मैं इसको हाई कर देता हूँ और ओके करता हूँ। इमेज फाइल यहाँ पे है, देख रहे हो आप, ये देखिए इमेज फाइल बन गई है। तो इसके थ्रू हम लोग इस प्रोसेस से हम किसी भी एक इमेज को एक्सपोर्ट करते हैं। कि ये हो गया हमारा इंपोर्टिंग ऑफ इमेज, कि कैसे हम इमेज को इम्पोर्ट करते हैं फोटोशॉप के अंदर। नेक्स्ट इज रोल ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का क्या रोल है,
जैसे कि मैं बताऊं कि जो सबसे बेसिक पार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो फोटोशॉप के हर वर्क में आपका यूज़ होने वाला है, वो है सिलेक्शन। बिना सिलेक्शन के आप कुछ भी नहीं कर सकते फोटोशॉप, दिस इज फैक्ट। तो सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अगर आपको कोई मैट पेंटिंग बनानी है, कोई आपको ब्लैक एंड वाइट फोटो को कलर करना है, कुछ रिटचिंग करनी है, आपको सबसे पहले जो करना होगा वो है सिलेक्शन। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जांपल है जो कि आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देगा कि हाँ वाकई में सिलेक्शन का यूज़ क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक इमेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें का जो बैकग्राउंड है, जो स्काई एंड माउंटेन्स है, वो बदल जाए। सिंपली करना मुझे क्या होगा कि मुझे जो ये कैरेक्टर का इमेज है और जो ये रॉक है, ये मुझे कट करके आउट करना है। तो उस चीज़ को कट कैसे करेंगे? तो कट करने के लिए हम सिलेक्शन का यूज़ करते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उस चीज़ का पूरा बैकग्राउंड रिप्लेस कर दिया है। पहले हमारा इमेज ये था, बट सिलेक्शंस के थ्रू आप देख सकते हो कि मैंने इस चीज़ को यहाँ पे चेंज कर दिया। ये देखिए, ये सिलेक्शन है और मैंने ये सिलेक्शन इसके थ्रू बनाया और इसको कट करके नेक्स्ट बैकग्राउंड पे करा दिया। इसी के साथ साथ अगर मैं और बात करूँ तो फोटोशॉप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लैक एंड वाइट। जैसे कि यहाँ पे एक ब्लैक एंड वाइट फोटो है जिसे आपको कलर करना है, तो आपको सबसे पहले तो कलर का आप कर लोगे, बट आप जिस किस एरिया में आपको पुट करना है, किस पर्टिकुलर एरिया में, मीन्स लाइक सेक्शन वाइज डिवीजन ऑफ पर्टिकुलर एरिया जिसको हम कहते हैं कि सिलेक्शन है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर मुझे ये देखिए फाइनल रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरह का है, बट अगर मैं इसके सिलेक्शंस की बात करूँ, जैसे मैं सिलेक्शन में आपको दिखाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसके हेयर्स के सिलेक्शन दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने वहाँ पे सिलेक्शन इसकी एक्टिव की, रिएक्टिव की उसकी सिलेक्शन, आप देख सकते हो कि वो एक सिलेक्शन के अंदर है वो पर्टिकुलर एरिया। अगर मैं उस एरिया के अंदर कुछ भी करना चाहूँ, या फिर एक एरिया मैंने डिसाइड कर दिया और उसके अंदर मैं कोई भी एक कलर यूज़ करता हूँ और वहाँ पे पुट करता हूँ, ये देखिए वहाँ पे चला जाए। देख रहे हो कि पर्टिकुलरली एक ब्लैक सिलेक्शन से मैंने वहाँ पे उसके हेयर का कलर चेंज कर दिया, जो कि पहले कुछ इस तरह का था, अब वो थोड़ा सा डार्क हो गया। तो सिलेक्शंस का आई होप कि आप बेसिक समझ गए हो कि सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है किसी भी इमेज एडिटिंग में, मैनिपुलेशंस में, लेआउट्स में। अब है हमारे कि लाइक सिलेक्शन टूल्स के बारे में समझना कि सिलेक्शन टूल्स क्या हैं, उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो मैं ये सारे पहले ऑफ कर लूँ और आपके लिए एक नया इमेज ले आता हूँ जिसमें हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया एक इमेज, दिस इज वे ऑफ इंपोर्टिंग जैसे मैंने पहले बताया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से सिलेक्शंस का यहाँ पे पहले तो देखिए, यहाँ पे सिलेक्शंस के टूल्स में समझाता हूँ। फिर से तो राइट क्लिक करोगे जब आप, तो इसके अंदर चार टूल और मिलेंगे, रेक्टेंगल मार्की टूल, एक्लिप्स मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल। मार्की टूल का रीज़न, कहने का रीज़न ये है कि मार्की का मतलब होता है मूवमेंट। जब आप सिलेक्शन को देख रहे हो तो जो ये आपका एक्टिव सिलेक्शन है, एक्टिव सिलेक्शन है, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ये जो डॉट्स हैं ये मूव कर रहे हैं। अब यहाँ से कुछ ऑप्शंस हैं सिलेक्शंस के, जैसे ही आप क्लिक करके ड्रैग करो, मतलब आप एक पर्टिकुलरली एरिया को डिवाइड कर रहे हो, पर्टिकुलरली एक एरिया को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो, एक एरिया बनाते रहो, डिसाइड करो जिसके बाहर कुछ नहीं होना, उसी के अंदर जो कुछ भी होगा वो होगा। अब यहाँ पे है कुछ ऑप्शंस, ये दिखते हैं यहाँ पे ध्यान से। दिस इज लाइक एड ऑफ सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट ऑफ सिलेक्शन एंड मल्टीप्लाई ऑफ सिलेक्शन। तो पहले मैंने यहाँ पे नॉर्मल क्लिक किया हुआ है, इस पर नॉर्मल सिलेक्शन पे, तो मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, सेकंड क्लिक कर रहा हूँ, जैसे एक सिलेक्शन बनाया मैंने इधर कि मुझे ये भी चाहिए और मुझे दूसरा सिलेक्शन चाहिए, तो मैं जैसे ही दूसरा सिलेक्शन यहाँ बनाता हूँ, पहला सिलेक्शन मेरा गायब हो जाता है। तो एडिशन ऑफ सिलेक्शन मेरा क्या हेल्प करता है वो देखते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाया अपने स्लैम्प पे, सेकंड सिलेक्शन बनाया मैंने इधर, जैसे ही मैंने एडिशन ऑफ सिलेक्शन किया, दोनों मेरे जो सिलेक्शन वो एक्टिव है। अब जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, जो मैं तीसरा सिलेक्शन में आने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं क्लिक किया हुआ हूँ, देखिए दोनों सिलेक्शन के जो मूवमेंट है वो रुक से गए। अब एक और सिलेक्शन में इन दोनों में ऐड करता हूँ, ये देखिए तीनों सिलेक्शन को उसने आपस में जोड़ दिया, जस्ट ऐड सिलेक्शन। जैसे ही मैं इस चीज़ पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा प्लस का साइन आ गया है कर्सर पे। अब कंट्रोल डी प्रेस करते हैं हम लोग अगर किसी भी सिलेक्शन को हमें हटाना है, जिसको हम लोग कहते हैं डी सिलेक्ट करना, या फिर आप राइट क्लिक करके यहाँ से कर सकते हो डी सिलेक्ट।
नेक्स्ट है हमारा कि जैसे कि यहाँ पे हमने ये बनाया, अब मुझे इस इमेज में से सिर्फ इतना एरिया चाहिए। आई विल जस्ट सिंपली प्रेस कंट्रोल सी। मैंने पर्टिकुलरली बैकग्राउंड वाले लेयर से उस इमेज को कॉपी किया, कंट्रोल वी करते हैं और आप जैसे ही देखोगे एक नए लेयर पे वो चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट है हमारा माइनस सिलेक्शन सब्सट्रैक्ट कि यहाँ पे गया। अब देखिए मैंने जैसे एक सिलेक्शन यहाँ बनाया, मुझे इसमें से पर्टिकुलरली इतना एरिया नहीं चाहिए, जैसे मैंने वहाँ पे कट किया उसने उतना सिलेक्शन एरिया को उसने माइनस कर दिया, ये देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लाई, मतलब दो सिलेक्शन के बीच का कॉमन एरिया। जैसे मेरा लास्ट सिलेक्शन जो अभी फ्रीज है, जो बहुत ही स्लाइट सा मूवमेंट दे रहा है, और एक जो सबसे फास्ट मूवमेंट दे रहा है जो हमारा करंट सिलेक्शन है, इन दोनों के बीच में देखिए एक कॉमन सा एरिया है। अब जैसे मैं क्लिक छोड़ूंगा वो बस एक कॉमन एरिया में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा मल्टीप्लाई सिलेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा विच इज फेदर ऑप्शन। फेदर ऑप्शन क्या करता है कि अगर मैं स्लेयर को हटा लूँ, जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन मैंने बनाया और अभी इसका फेदर है जीरो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी एंड पेस्ट टू न्यू लेयर। अब मैं यहाँ से इस आई को ऑफ करता हूँ जो कि हमारा बैकग्राउंड लेयर का आई है। ऑफ किया तो जब मैं इस पर जूम करता हूँ, थोड़ा जूम करने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस या ऑल्ट के साथ आप स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि वो जूम हो गया। तो यहाँ पे इसके एजेस देखते हैं, एजेस कितने शार्प है। अब सेम सिलेक्शन में बनाता हूँ और इस लेयर को ऑफ कर देता हूँ और इस बार मैं क्या करता हूँ, इसकी फेदर लाइक फाइव लिया और फिर से मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ। बैकग्राउंड पे गया कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब मैं फिर से यहाँ पे ऑफ करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्शन जो पहले हमारा क्या था शार्प था, अब जो है उसमें थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, मतलब फेदर जो इसके एजेस को ब्लर देने के काम में आता है। अगर मैं इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो देखिए क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 50। अब मैं जैसे इसको क्लिक किया, ये देखिए इसके एजेस देखोगे आप कि कर्व हो जाते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, आप यहाँ पे साफ देख सकते हो किस तरह से उसने फायदा किया है, ब्लर कर दिया है एजेस को। तो ये हो गया आपका फायदा। अगर आपको इम्पोर्टेंट हो या फिर अगर किसी सिलेक्शन पर आप काम करो, अगर आपको लगे कि हाँ आपको थोड़ा सा एरिया ब्लर चाहिए उसके एजेस, यू कैन यूज़ फायदा, बट ज़्यादा भी यूज़ नहीं कर लीजिएगा ताकि इशू हो आपको। तो मैं इसको अभी ज़ीरो कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट इज स्टाइल कि किस तरह के सिलेक्शन के स्टाइल से, मैं सारे लेयर्स यहाँ से डिलीट कर दे रहा। अब यहाँ पे है नॉर्मल सिलेक्शन। अब सेकेंड इज लाइक फिक्स्ड रेशियो एंड फिक्स साइज कि अब ये तीन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले नॉर्मल में मैं देख रहा हूँ कि मैं किसी भी तरीके का बना दे रहा हूँ या फिर कुछ भी कर दे रहा हूँ, इट्स लाइक स्क्वायर मुझे परफेक्ट नहीं मिल रहा है, मैं जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ डिफरेंट हो रहा हूँ। अब जब मैं सिलेक्शन बना रहा होता हूँ यहाँ पे आप देखिएगा विड्थ डब्ल्यू एंड एच होता है और वहाँ पे एक बगल में उसके डिजिट दिया हुआ है और एक मेजरमेंट दिया हुआ है, ऐसा यूनिट दिया है सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर वो चीज़ें बन रही हैं क्या नहीं बन रही। अब मुझे अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अभी मैं क्लिक नॉर्मल कर रहा हूँ बिना किसी की के प्रेस किए हुए, तो ये किसी भी रेक्टेंगल का एक शेप ले रहा है, बट जब मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और क्लिक करता हूँ यू विल सी कि उसका विड्थ एंड हाइट दोनों सेम हो जाता है, मतलब वो एक स्क्वायर बनता है। एक परफेक्ट स्क्वायर अगर मुझे बनाना है तो मुझे सिलेक्शन के साथ शिफ्ट प्रेस करना है देन क्लिक एंड ड्रैग, तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर वहाँ पर बन जाएगा। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे सेकंड सिलेक्शन की बात करता हूँ विच इज़ लाइक एक्लिप्स मार्केट टू, वहाँ पे अगर आप नॉर्मल क्लिक करोगे तो आप एक ओवल बना लोगे, बट अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करके क्लिक करोगे तो आप एक परफेक्ट सर्कल बनाओगे। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको जो मैं बता रहा था कि लाइक स्टाइल क्या होता है। जैसे फिक्स रेशियो मैंने रखा कि 1:2, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं किधर भी मूव कर रहा हूँ, आप देखो कि इसकी जो रेशियो है इट इज़ डिफरेंट, लाइक 8:16 है, अगर मैं इसको और ज़्यादा बढ़ाता हूँ 9:18 है, लाइक 1:2 जैसा मैंने यहाँ पे इसकी दी है। अब इसको मैं 1:1 अगर करता हूँ तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा विदाउट शिफ्ट। आप यहाँ से एक परफेक्ट रेशियो के थ्रू भी एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। नेक्स्ट एक फिक्स साइज कि लाइक मैं 64:64 का ये एक अगर बना रहा हूँ तो वो सिर्फ क्लिक्स के से कोई क्लिक करके आप ड्रैग करते रहो, फिर भी आप एक छोटा सा ही वो सिलेक्शन जो कि आपने यहाँ पे डेटा फीड किया है वही यहाँ पर रहेगा। मैं इसको 400 करता हूँ
देन आई विल चेक, आप देखो वो एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया। मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ, अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलरली स्क्वायर बनाना है या फिर कुछ भी करना है तो इक्वल रेशियो के लिए मैं शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करता हूँ। सो इसे आप एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो सिलेक्शन में। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ये हो गया सिलेक्शन टूल का बेसिक जो मैंने आपको भी बताया। अब है रिफाइनिंग सोल्यूशन, लाइक रिफाइनिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रिफाइन सिलेक्शन, कि सिलेक्शन को रिफाइन कैसे करते हैं थोड़ा बहुत। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा सिलेक्शन बनाता हूँ, आप एक देख रहे हो। अब मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिस सेलेक्ट एंड मास्क, मास्किंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला ऑप्शन है जिसका मैं क्लासेस आगे बनाने वाला हूँ, तो आपको इस ट्यूटोरियल सीरीज में आगे ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो सेलेक्ट एंड मास्क पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही आप देखो कि एक अलग विंडो में ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। स्पेस प्रेस करोगे जब आप, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट देखोगे कि आपका जो कर्सर है वो हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल माइनस जूम आउट करने के लिए, ठीक है, जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस है शॉर्टकट। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ लाइक कि यहाँ पे जो ये हार्ड एजेस है, मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे जो ये हार्ड एजेस दिख रहे होंगे आपको, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ब्लरी हो जाए। मैंने यहाँ से फेदर बढ़ाया, आप देख सकते हो तो यहाँ पे ब्लर हो रहा है। तो इसके थ्रू जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और हैं जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, कि इन चीज़ों से हम अपने सिलेक्शन को थोड़ा सा परफेक्ट करते हैं। कई बार नॉर्मल सिलेक्शन ना होने की वजह से, ट्रिपल सिलेक्शन होती है, जैसे हेयर सिलेक्शन हो गया, मान लेते हैं किसी बैकग्राउंड में से आपको कोई लीव्स निकालने हैं, या हेयर सिलेक्शन सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट है सिलेक्शन का, विच इज़ हेयर सिलेक्शन, तो वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि हम बहुत ही एग्जैक्ट एजेस कैप्चर कर पाए किसी भी इमेज का, किसी भी कैरेक्टर का, और उसे किसी अलग बैकग्राउंड में ऐड कर सकें। तो इस ट्यूटोरियल में तो मैं इसके बारे में पूरा नहीं बताने वाला, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके बारे में प्रॉपरली बताने वाला हूँ, जो कि हमारा एडवांस सिलेक्शन का है, सिलेक्शन पार्ट टू। कैंसिल कर देते हैं, कंट्रोल डी डिसलेक्ट करते हैं। अब सबसे जो लास्ट टॉपिक है ब्लर एंड फोकस फोटो कोलाज इफेक्ट, तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं कुछ वॉलपेपर्स लेने वाला हूँ, ऑब्वियसली यहाँ से मैंने जो डाउनलोड करके रखे हैं अपने पास। सबसे पहले मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, इसको यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे मैं रखा, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, वो ऑटोमेटिकली एक पेज उसने क्रिएट कर दिया और यहाँ पे गिर गया। अब कुछ चीज़ें जो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं वो है स्ट्रोक, फिल, इन चीज़ों के बारे में, और फिर से रिएक्टिव द सिलेक्शन, कि कैसे किसी भी डिलीटेड सिलेक्शन को रिएक्टिव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मुझे कुछ करना है तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं एक लेयर लूँगा जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एन, आप यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे में न्यू पेज का, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऑलरेडी यहाँ पे एक न्यू पेज बन जाएगा। इस पर डबल क्लिक करता हूँ और मैं इस चीज़ का नाम दे देता हूँ डिज़ाइन। अब लेयर्स के बारे में कुछ समझने से पहले आप जब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक चेकर बोर्ड बना हुआ है विच मीन्स नल। अगर आपको लेयर थंबनेल में नल दिख रहा है तो मतलब उसका कि वहाँ पे कुछ लेयर में कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप सेकंड लेयर को बात करें जहाँ हमारा मेन इमेज है, आप देखो कि वहाँ पे छोटा सा थंबनेल है, लेयर थंबनेल मींस उसमें कलर इंफॉर्मेशन फिटेड है ऑलरेडी है, बट इस लेयर में कुछ नहीं। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस डिज़ाइन वाले लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से बनाता हूँ परफेक्ट स्क्वायर, शिफ्ट के साथ सिलेक्शन को एक्टिव किया और इसे मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब ऑप्शन है कि ये जो यहाँ पे सिलेक्शन है, अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर कलर फिल कर सकता हूँ या इसके एजेस पे जो सिलेक्शन का एक है जिसे मैं स्ट्रोक दे सकता हूँ। स्ट्रोक देने के लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे देखोगे नीचे माने के यहाँ पे आता है फिल एंड स्ट्रोक, दो ऑप्शन है। फिल से जब आप फिल पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर कलर फिल हो जाएगा। फिल पे क्लिक करते हैं और ये पूछ रहा है क्या फिल करना है, तो मैं यहाँ पे फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर्स जो कि यहाँ के कलर डिसाइड करते हैं, विच इज़ लाइक फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर, मैं फोरग्राउंड कलर क्लिक करता हूँ और जैसे ही ओके प्रेस करूँगा वहाँ देखा ब्लैक कलर उसमें फिल हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर स्ट्रोक यूज़ करता हूँ तो यहाँ एक और चैनल आएगा, मुझे एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे, देखिए जो पूछेगा मुझसे कि मुझे कितनी मोटी जो स्ट्रोक विड्थ है वो चाहिए, 1 पिक्सल की चाहिए, 5 पिक्सल, मैं यहाँ पे देता हूँ इसे 10 पिक्सल। अब ये मुझसे पूछेगा किस कलर में चाहिए, जैसे आप कलर पे क्लिक करोगे आप कलर पे क्लिक कर पूरा ऑप्शन दे देगा पिकर का,
अब यहाँ पे आप किसी भी एक पर्टिकुलर कलर को आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ सो, या फिर वाइट यूज़ करता हूँ, वाइट यूज़ कर रहा हूँ। अब सेकंड, लोकेशन क्या आपको किधर चाहिए, इनसाइड चाहिए, सेंटर चाहिए, आउटसाइड चाहिए। मैं इनसाइड पे क्लिक करता हूँ ताकि एक परफेक्ट एज्ड स्क्वायर मुझे मिल जाए। जैसे ही मैं हिट करूँगा ओके, आप देखो कि पतली सी यहाँ पे एक स्क्वायर लाइन बन जाएगी, आउटलाइन बन जाएगी। अब नेक्स्ट मूव टूल पे मैं आता हूँ, मूव टूल के बारे में इस पर क्लिक करके जैसे मैं ड्रैग करूँगा आप देख सकते हो ये मूव हो रहा है, किधर भी मूव कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैं इसको बीचों बीच कैसे रखूँ, तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आता है अलाइन का ऑप्शन, हिट सेंटर। अब देखो यहाँ पे सेंटर पे उसको दिया। फिर से मैं यहाँ पे इसके एक और सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ शिफ्ट के साथ, राइट क्लिक, एक नया लेयर लेते हैं हम लोग, राइट क्लिक, स्ट्रोक, एंड दिस टाइम 20 इनसाइड। ओके, देख सकते हो कि प्रीवियसली उस सिलेक्शन से ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है, और मैं इसको भी अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब फिर से मैं एक और लेयर ले रहा हूँ और यहाँ से एक और लिया ये, राइट क्लिक, स्ट्रोक, दिस टाइम 30। ओके, अब इसको मैं मूव कर रहा हूँ, अगर मुझे चाहिए कि इसे रोटेट करना है, अगर मुझे इसे रोटेट करना है तो रोटेशन के लिए कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसका मतलब ट्रांसफॉर्म ऑप्शन, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि आप इसको किधर भी मूव कर सकते हो इसके थ्रू, जब ये कमांड एक्टिव होगा इस चीज़ को रोटेट कर सकते हो, इस चीज़ को स्केल कर सकते हो। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्म। जब आप पर्टिकुलरली मान लेते हैं अगर मैं इसको इस तरह से मूव कर दूँ ऐसे, और जैसे ही मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा वो कमांड को वो रिसीव कर लेगा। अब मैं इसको भी सेंटर कर देता हूँ अलाइन, ये परफेक्टली अलाइन हो गया। अब मैं इसके अंदर एक और लेयर ले रहा हूँ और शिफ्ट के साथ एक सर्कल बना रहा हूँ जहाँ के मैं कुछ इमेजेस ऐड करूँगा। इसे मैं करता हूँ फिल फोरग्राउंड कलर, ओके, और इसे भी बैकग्राउंड के साथ कर देता हूँ अलाइन। सी, तो ये हमारा हो गया इतना का। हाँ, और जो एक्स्ट्रा तीन लेयर्स मैंने बनाए, अगर मैं चाहूँ लाइक अगर मैं चाहूँ क्या, ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि ये जो तीन लेयर्स हैं वो एक में मर्ज हो जाए, मतलब एक हो जाए, तो बस तीनों लेयर को मैंने कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया और इसको कर दिया कंट्रोल ई मर्ज, या फिर राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आएगा मर्ज लेयर्स। जो तीनों काम जो हम लोगों ने किया है, जो तीनों शेप्स बनाए थे इसमें स्क्वायर के, वो तीनों एक में मर्ज हो गए। अब यहाँ पे आपके पास दो लेयर है, तीन लेयर है, जो कि बैकग्राउंड का एक लेयर है, एक इस पतले वाले रेक्टेंगल का जिसे मैंने डिज़ाइन लेयर नाम दिया है, और एक ये। अब मैं इन दोनों लेयर को भी आपस में कर देता हूँ मर्ज, और यहाँ पे और भी कुछ सिलेक्शंस में ऐड करता हूँ एक नए लेयर पे, राइट क्लिक, स्ट्रोक, एंड दिस टाइम आई विद 50। ओके, देखते हैं, अब इन दोनों को भी मैं अलाइन कर दे रहा हूँ यहाँ से। सी, अब इन दो लेयर्स को भी मैं कर दे रहा हूँ मोड्स, इसका नाम मैं देखता हूँ डिज़ाइन। तो आप देख सकते हो एक लेयर में मैंने पर्टिकुलरली ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया, अलग अलग लेयर से एक में करने के लिए मर्ज कर दिया उनको, और इसको कर देता हूँ ऑफ। यहाँ तक का मेरा काम ओवर। जैसा मैंने बताया था आपको क्लासेस के बनाने से पहले कि मैं इसको कहता हूँ ब्लर एंड फोकस इफेक्ट। तो ब्लर एंड फोकस इफेक्ट का मतलब हो गया कि ऑब्वियसली है कि कुछ ना कुछ तो ब्लर का यूज़ तो करेंगे हम लोग। तो इमेज को ब्लर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड इमेज का एक कॉपी बना रहा हूँ। कॉपी बनाने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा ऑप्शन में, फिर फिल्टर ऑप्शन, यहाँ पे आप दिख रहा होगा ब्लर, ब्लर के बाद यहाँ पे गॉशियन ब्लर। अब ये बताएगा कि जैसे कि मुझे कितना ब्लर करना है, तो मैं यहाँ पे अराउंड लाइक 60-70 विल बी एनफ, एंड इसको भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास तीन लेयर है, वन इज डिज़ाइन, सेकंड इज बैकग्राउंड कॉपी, जिसे मैं कर देता हूँ ब्लर लेयर, और एक हमारा है जो बैकग्राउंड है।
यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, जैसे ये डिज़ाइन यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं चाहता हूँ ये डिज़ाइन जो आपको दिख रहा है ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाए, उस चीज़ के लिए मैं सिंपली थंबनेल को देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आइकॉन जो मेरा वो चेंज हो जाता है और वो एक सिलेक्शन के ऑप्शन में आता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ जो हमने डिज़ाइन बनाया है वो कन्वर्ट हो जाता है एक प्रॉपर सिलेक्शन में। सिलेक्शन में कन्वर्ट होने के बाद मैं ब्लर वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड जस्ट सिंपली प्रेस डिलीट। डिलीट प्रेस करने के बाद आप देखो एक ब्लर फोकस करके एक इफेक्ट उसने बना दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में मेरी पिक आ जाए जो कि एक फोटो फ्रेम जैसा मुझे लगे, तो मैं उस चीज़ के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी इमेज लाता हूँ, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। मुझे इसी पेज पे जब इमेज चाहिए तो मैं सिंपली बस यहाँ पे आके जैसे यहाँ पे प्रेस किया वो यहाँ पे आ जाएगा एंटर। बट ये देखिए कि ये इसके पीछे नहीं है, तो इस चीज़ को हमें लेयर को अरेंज करना होगा। जैसे सबसे जो ब्लर लेयर है मेरा सबसे टॉप पे है, तो ये इसके अंदर आ गया। अब मुझे कितना बड़ा इमेज चाहिए या क्या चाहिए, तो उस चीज़ को सिलेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले इसको यहाँ से ये ले रहा हूँ, सिलेक्शन बनाया और इससे एक पर्टिकुलर एरिया को मैं कॉपी पेस्ट एक नए लेयर पे ले आता हूँ और अपनी पिक वाली इमेज को मैं लेयर को डिलीट करता हूँ, हाइड कर देता हूँ। अब ये देखिए एक परफेक्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि वो सेट हो गया, सभी अलाइन कर देता हूँ, तो ये देखिए एक फोटो फ्रेम जैसा बन गया। इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए मैं इस ब्लर वाले लेयर के साइड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से एक नया ऑप्शन स्टार्ट करता है, नया डायलॉग बॉक्स आता है जिसको कहते हैं हम लोग लेयर स्टाइल। इस कहते हैं लेयर स्टाइल, यहाँ पे है आप लास्ट में देखोगे ड्रॉप शेडो का ऑप्शन, जस्ट सिंपली क्लिक इट, आप इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको आप इसकी ऑपेसिटी थोड़ी सी बढ़ानी है, डिस्टेंस अ बिट, थोड़ा सा साइज देते हैं एंड ओके। ये देखिए थोड़ा सा वो एक 3D इफेक्ट में आ रहा है। तो इस तरह के इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हो ब्लर एंड फोकस के साथ, तो कुछ आप नया क्रिएट करो। एंड प्लीज़ अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके बताओ कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा अच्छा लगा या कैसा लगा, अपने रिव्यूज़ दो। और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग जो कि सिलेक्शन का एडवांस वर्जन है। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ एक चीज़ और, मेरे गेमिंग्स के भी वीडियोज़ मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ, सो प्लीज़ वॉच इट एंड शेयर इट ऑब्वियसली एंड लाइक, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।